हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आज 40 क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखो, राजस्थान महिला सुपरवाइजर के एग्जाम की बात करें तो 6 जनवरी को इसका पेपर है। किसका? जो राजस्थान महिला सुपरवाइजर है, इसका 6 जनवरी को पेपर है। और देखो, टाइम बहुत कम बचाया है, तो इसलिए मैंने क्या किया है ना कि जो डीपली एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दिया बंद, क्योंकि देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करें। बस अब टाइम इतना है कि फटाफट से चीजों को रिवाइज करते चलें। तो गाइस, आज आपके पास टास्क है कि 40 क्वेश्चन आपके पास हैं और आपको क्या करना है, बस अभी बैठ जाइए आप एक पेन और कॉपी लेके, मतलब पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, और जिसमें क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और आपको लिखना है उसका आंसर, ताकि आप खुद को एनालिसिस कर पाए कि आपकी तैयारी कितनी क्या है। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। गाइज देखिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके आपका स्कोर जरूर बताना कि जो 40 क्वेश्चन है उसमें से आपने, मतलब कि आपके सही क्वेश्चन कितने हुए। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विंडो विस्टा है, इसके बाद कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो देखो, विंडो विस्टा की बात करें तो इसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ये आपको बताना है। तो चलो फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अब तक आंसर टिक कर लिया होगा आपने, तो जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा विंडोज 7। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए हो जाएगा। और विंडोज 7 की बात करें तो ये 2007 में, मतलब 2007 में आया, 2007 में। और विंडो 8 की अगर हम बात करते हैं तो विंडो 8 है ये 2012 में आया। और जो विंडो 8 है इसका 8.1 वर्जन है वो आया 2013 में। और इसके बाद विंडो 8 के बाद आया विंडो 10 जो कि आया 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसको मैनेज करता है। तो देखो, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका आपको पता होना चाहिए कि किसको मैनेज करता है। तो फटाफट से आंसर बताइए इसका और नोटबुक में नोट करिए कि भाई क्या इसका आंसर होगा। तो देखो, अब तक नोट कर लिया होगा क्योंकि फटाफट से रीड करने में टाइम लगता नहीं है, तो अब तक आंसर आपको पता चल गया होगा कि क्या आंसर है। तो विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये मैनेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी करता है और मेमोरी को भी करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये है कि विंडो 7 है, इसमें F5 का कार्य क्या है। तो चलो जल्दी से बता दीजिए कि विंडो 7 में F5 का कार्य क्या है। तो देखो, विंडो 7 है, अब आंसर मैं बता देती हूँ, अब तक कर लिया होगा आपने, कि जो विंडो 7 है इसमें जो F5 है इसका काम है रिफ्रेश करने का। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा, मतलब कि देखो डैश यहाँ दे रखा है हमें कि भाई कौन सा एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है इनमें से, जिसकी मदद से जो कंप्यूटर है वो अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम बता देना है हमें कि भाई क्या ये सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधन है इनको व्यवस्थित करता है। तो गाइस, ये करता है यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये एक ऐसा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर है वो अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो आंसर यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि APL नामक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसने विकसित की थी। तो फटाफट से बताइए कि APL नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी। देखो, यहाँ पे हर क्वेश्चन को मैं दो बार बोल रही हूँ और वो उसके पीछे रीजन है कि दो बार बोलने के पीछे रिपीट क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि तब तक आप फटाफट से आंसर नोट कर सको, फिर मतलब ये नहीं होगा कि भाई टाइम नहीं मिला है। तो देखो, अब तक आंसर नोट कर लिया होगा कि जो APL नामक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये विकसित की थी केनेथ इवर्सन ने की थी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो मैंने लिया है वो लिया है कि हार्ड डिस्क है, इसमें मतलब कि जिस स्थान पर डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी बूटिंग फाइल लिखी होती है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये है हार्ड डिस्क है और इसमें जिस स्थान पर ये डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो बूटिंग फाइल लिखी होती है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो गाइस, अब तक आंसर आपको पता चल चुका होगा कि उस स्थान को कहते हैं बूट सेक्टर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो वास्ट डिवाइस है ये क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर, ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर
और इनमें से कोई नहीं, तो बताओ क्या आंसर होगा। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, यानी कि आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया गया है वो लिया गया है कि वास्ट डिवाइस का जो डाटा लेखन गति है वो कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 100 इंच प्रति सेकेंड, फिर ऑप्शन टू जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि 148.4 इंच प्रति सेकेंड, फिर ऑप्शन सी हमें दे रखा है कि 200 इंच प्रति सेकेंड, फिर ऑप्शन डी हमें दे रखा है कि 248.4 इंच प्रति सेकेंड। तो बताओ इनमें से क्या ऑप्शन हमारा सही होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विस्ट जो वास्ट डिवाइस है इसका जो हेड होता है वो किस गति से घूमता है। तो वास्ट डिवाइस का पूछा है कि इसका हेड किस गति से घूमता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है 800 चक्कर प्रति सेकेंड, फिर ऑप्शन बी जो है वो है 900 चक्कर प्रति मिनट, और ऑप्शन सी है वो है 1500 यानी कि 1500 चक्कर प्रति मिनट, और जो डी ऑप्शन है वो है 1800 चक्कर प्रति मिनट। तो क्या आंसर होगा। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन विंडो की विशेषता नहीं है, यानी कि हमारे पास ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से तीन ऐसे ऑप्शन है जो विंडो की विशेषता है और एक ऐसा ऑप्शन है जो विंडो की विशेषता नहीं है, तो वही हमारा जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग दिया हुआ है, मेमोरी मैनेजमेंट दिया हुआ है, डाटा शेयरिंग दिया हुआ है और सॉफ्टवेयर डिजाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट, डाटा शेयरिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइन है ये तो विंडो है इसकी विशेषता है, लेकिन जो ये मल्टीटास्किंग है ना ये विंडो की विशेषता नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया रखा है कि जो शतरंज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कारस्परोव है, क्या है देखो अजीब सा नाम है, कास्परोव है सॉरी। ठीक है तो जो ये शतरंज, यहाँ पे सही करिएगा, खिलाड़ी लिख लीजिएगा यहाँ पे कि जो ये शतरंज खिलाड़ी हैं गैरी कास्परोव, तो इनका हमें बताना है कि इनको पराजित करने वाला जो कंप्यूटर है उसका नाम क्या है उस कंप्यूटर का। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं डीप ब्लू, डार्क ब्लू, चैलेंजर, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है विनर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो चला जाएगा ए के साथ। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये है कि छोटी दूरी है इसके लिए डिजिटल संकेतों को संप्रेक्षण के काम के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखो छोटी दूरी के लिए यहाँ बात हुई है, तो देखो यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं लाइन ड्राइवर, फिर डाटा ड्राइवर, सिग्नल ड्राइवर और मोडेम ड्राइवर। तो बताइए इनमें से आंसर क्या होगा। तो गाइस इनमें से जो हमारा आंसर होगा सही जवाब होगा वो होगा लाइन ड्राइवर, यानी कि आंसर ए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाइन ड्राइवर है इसकी जो डाटा स्थानांतरण दर है वो कितनी होती है। तो देखो लाइन ड्राइवर की डाटा स्थानांतरण दर बतानी है हमें, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है वो है 1000 BPS यानी कि बिट प्रति सेकंड, फिर है 2000 BPS, 5000 BPS और 19200 BPS। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है कि एक किलोमीटर दूरी तक की जो सूचना है उसको आदान प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मीडिया की जरूरत पड़ती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है दो तारों वाली खुली लाइन की, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल की, और जो ऑप्शन सी है वो है ऑप्टिकल केबल, और फिर ऑप्शन डी है माइक्रोवेव। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल है ये 1 किलोमीटर दूरी तक की जो सूचना है उसको आदान प्रदान करने के लिए इस मीडिया की जरूरत होती है। और जो ये है ना ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब ए जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे आंसर तो हमारा बी है ही, और जो दो तारों वाले खुली लाइन की बात करें तो ये बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और जो सैटेलाइट चैनल है ये खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे चुंबकीय प्रसारण,
विद्युतीय चुंबकीय प्रसारण, फिर है ध्वनि प्रसारण और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ सही आंसर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे जो सही आंसर वो हो जाएगा वो हमारा बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें ले रखा है कि जो 1000 मेगाहर्ट्ज की ऊपर की जो आवृत्तियां होती है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किसके अंतर्गत आती है। तो देखो यहाँ बात हुई है कि 1000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर तक की जो आवृत्तियां होती है वो किसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन ए रेडियो फ्रीक्वेंसी, फिर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, फिर सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो होगा बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1000 मेगाहर्ट से ऊपर होती है। अगर आपसे रेडियो फ्रीक्वेंसी का पूछ लिया जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसकी होती है 1500 मेगाहर्ट से कम होती है। और अगर सैटेलाइट का पूछ लिया जाए तो सैटेलाइट की जो होती है ये होती है 4 से लेके और 12 मेगाहर्ट्स होती है। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ये है हमारा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है ये किसे कहते हैं। तो देखो ये तो पता चल ही गया होगा आपको क्योंकि ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही दिया है कि यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा कि जो मेगो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो 1500 मेगाहर्ट से कम की फ्रीक्वेंसी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया कि सैटेलाइट लिंक है ये किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। तो इसका भी ऑलरेडी हमने बता ही दिया कि 4 से और 12 मेगाहर्ट्स। ठीक है अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि सैटेलाइट लिंक है ये जो डाटा ट्रांसफर रेट इसकी होती है वो कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है कि 1000 Mbps दे रखा है, उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे 200 Mbps दे रखा है, 3000 Mbps दे रखा है, 4000 Mbps दे रखा है। तो बताओ हमारा सही जवाब क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1000 Mbps। ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाटा परिवर्तन और जो कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेवार है ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इनमें से आंसर हमारा क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए ये जिम्मेवार है। ठीक है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेटवर्क्स के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का जो काम है ये कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो देखिए इसमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा डी, आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है कि जो नेटवर्क है इसके बीच डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल और जो कार्य है ये प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली जो लेयर है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो गाइस इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डाटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले रखा है कि एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड है इसके रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है ये हमें बताना है। तो देखो एक माइक्रो कंप्यूटर है इसमें एड ऑन कार्ड है इसके रूप में किसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, प्रोटोकॉल यूनिट, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसमिशन लेयर। तो गाइस इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है अगला देखिए, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है कि फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग करते हैं ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं फाइल सर्वर, प्रिंटर सर्वर, मॉडेम सर्वर और स्कैनर। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा फाइल सर्वर। ठीक है अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैन है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो देखो वैन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है।
तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हमें दे रखा है वाइड एरिया नेटवर्क, फिर वाइड वाइड एंगल नेटवर्क, फिर दे रखा है हमें वाइड एक्सेस नेटवर्क, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा देखो WAN यानी वैन, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है कि मैसेज स्विचिंग है, इसमें मैसेज है वो किसका उदाहरण है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोन मैसेज, रेडियो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मैसेज स्विचिंग है, ये जो मैसेज स्विचिंग है, इसके अंदर जो मैसेज होता है वो उदाहरण होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल का। तो यहाँ पे ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है कि जो पैकेट स्विचिंग है, इसके अंदर एक डाटा पैकेट की अधिकतम जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है 1 बाइट, फिर ऑप्शन दे रखा है बी हमारा ऑप्शन है 128.4096 बाइट, या फिर 10 मेगाबाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, सही आंसर की बात करें तो 128.4096 बाइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पैकेट स्विच है, पैकेट स्विचिंग होती है, उसके अंदर एक डाटा पैकेट होती है, उसकी ये अधिकतम लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्लू जीन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है टेरा फ्लॉप कंप्यूटर, फिर दे रखा है पेंटा फ्लॉप कंप्यूटर, फिर दे रखा है नीले रंग का कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ब्लू जीन जहाँ पे भी आप देखो तो वहां पे आपके माइंड में एक ही चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि जो ब्लू जीन है वो होता है पेंटा फ्लॉप कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा कि मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद में किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली है, इस पर पाकिस्तान हैकरों ने हमला किया, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, या फिर राष्ट्रीय बौद्धिकी प्रयोगशाला, और जो डी ऑप्शन है वो है भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि जो मई 1998 है इसमें पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है इस पर कंप्यूटर प्रणाली की जो पाकिस्तानी हैकर है इन्होंने हमला किया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिया कि बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जेब में रखने वाला एक वैकल्पिक कंप्यूटर बनाया है। तो हमें बता देना है कि इस वैकल्पिक कंप्यूटर का नाम क्या है, क्या कहते हैं इसे। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं कैलकुलेटर, या फिर सिम्युलेटर, या फिर सिम्प्यूटर, या फिर मोनिटर। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा सिम्प्यूटर, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डिस्प्ले कार्ड है ये कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर, कलर ग्राफिक अडेप्टर, वीडियो ग्राफिक एरे, या फिर पीसीआई कार्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने लिया है कि ऐसा इंट्रानेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के जो लोग होते हैं उसको संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर अनुमति लेकर करते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये क्या कहलाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। फिर से देखिए गाइस, क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है कि ऐसा इंट्रानेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर अनुमति लेकर कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि ऐसा जो इंट्रानेट है उसका नाम क्या है, क्या कहलाता है वो। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं एक्ट्रानेट, इंट्रानेट, हाइपरनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा एक्ट्रानेट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिया है कि मेलिंग लिस्ट है, इसके उपयोगिताओं को अनचाहा पत्र भेजता है, अनचाहा पत्र जो भेजता है वो क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। फिर से देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि मेलिंग लिस्ट के उपयोगकर्ताओं को अनचाहा पत्र भेजना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्पैमिंग, हैकिंग, सफरिंग, या फिर ब्राउजिंग। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि जिस नेटवर्क का कुछ भाग इंटरनेट से जुड़ा होता है
परंतु उसका जो डाटा होता है वो कूटबंद रहता है, तो उसे क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीसी है ये दो प्रकार के होते हैं। अब हमें बताना है कि ये दो प्रकार कौन से हैं ग्रीन पीसी के। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन जैक और जिल, अर्थ और वाटर, ग्रीन लाइट और डार्क ग्रीन, या फिर मतलब ग्रीन लाइट नहीं, देखो यहाँ पे फिर से देखिए ऑप्शन हमें दे रखा है जैक एंड जिल, अर्थ एंड वाटर, फिर लाइट ग्रीन, या फिर डार्क ग्रीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ग्रीन पीसी की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लाइट ग्रीन और एक होता है डार्क ग्रीन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है कि भारत में कंप्यूटर पेशेवर की शीर्ष संस्था है, इसका नाम क्या है। तो देखो भारत में कंप्यूटर पेशेवर की शीर्ष संस्था का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर मेंटेनेंस ऑफ इंडिया, या फिर कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, या फिर कंप्यूटर मेंटेनेंस कंपनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ तो देखिए गाइस यहाँ पे जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर विज्ञान है इससे संबंधित मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाली जो साइट होती है उसका नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्री कंप्यूटर स्कूल डॉट कॉम, या फिर कंप्यूटर एजुकेशन डॉट कॉम, या फिर एजुकेयर डॉट कॉम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखिए कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाली जो साइट होती है उसका नाम होता है फ्री कंप्यूटर स्कूल डॉट कॉम। तो ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अगला देख लेते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध पहला माइक्रोप्रोसेसर चिप है ये कौन सा था। तो देखो व्यावसायिक तौर पर जो पहला मतलब कि व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध पहला माइक्रोप्रोसेसर चिप है इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा था। तो यहाँ पे आंसर है हमारे पास इंटेल 400, मतलब कि ऑप्शंस यहाँ पे हमें चार दिए हुए हैं कि इंटेल 4004, या फिर इंटेल 4000, या फिर इंटेल 5086, या फिर इंटेल 7800। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा ए, हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जो व्यावसायिक तौर है इस पर उपलब्ध पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप था वो था इंटेल 4004। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे प्री जो पीसी है मतलब पर्सनल कंप्यूटर है उन पर उपलब्ध पहला माइक्रोप्रोसेसर चिप पूछ दिया जाए तो उस केस में हमारा क्या आंसर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस उस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा इंटेल 8080। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त तो होने वाला माइक्रोप्रोसेसर चिप कौन सा था। तो देखो इसका ऑलरेडी हम आंसर बता चुके हैं, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ पे वो लिया है कि ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो हमें बता देना है कि ये डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिस्क है ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, और हमें बताना है कि जो ये ऑप्टिकल डिस्क है ये डिजिटल डाटा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं उच्च शक्ति लेजर किरण, या फिर न्यून शक्ति लेजर किरण, या फिर एक्सरे, या फिर कॉस्मिक किरण। तो गाइस यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सअप में उन सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि देखो राजस्थान महिला सुपरवाइजर है उसका 6 जनवरी को पेपर है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो देखो जिन भी सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है ना कि भाई इन इन सब्जेक्ट के वीडियो आने चाहिए, तो गाइस चिंता बिल्कुल मत कीजिए, 6 जनवरी से पहले पहले आपको हर सब्जेक्ट के उस अकॉर्डिंग आपको मतलब आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। और उसमें उन वीडियोस में हमारा टारगेट रहेगा कि हर वीडियो में डेली की डेली 100 के लगभग क्वेश्चंस का आपका फटाफट से रिवाइज कराया जा सके। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।